बिजनौर खबर टीम में आपका स्वागत है। दरअसल बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला चारबाग निवासी फैजान गत 24 नवंबर को किसी शादी समारोह में शामिल होने गया था। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में फैजान और फैसल में पानी को लेकर आपस में विवाद हो गया। आरोप है कि फैसल ने अपने परिवार के साथ मिलकर फैजान पर गर्म तेल डाल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में झुलसे युवक फैजान को परिजनों द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कर लिया गया, जहाँ उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाने में तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आज पीड़ित परिवार ने पुलिस कप्तान को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या बात है? मैं सिर्फ पानी के उस पर खड़ा था, वो पानी का जग लगाया, उन्होंने पानी मांगा, मैंने पानी दे दिया, फिर मुझे गाली बकने लगा। मैं बोला भाई गाली क्यों बक रहा तू, बताऊ तुझे इसमें हाथ तपाई करने लगा। उन्होंने उठाया मुझे कढ़ाई में फेंक दिया तेल, उसने फैजल नाम था एक, उसका बाबा था निजामुद्दीन और ये एक और था लड़का उसको भैया, और फिर मैंने जग भरा मेरे ऊपर डाल दिया और जलेबी लकड़ी निकाल के उसके बाबा ने मेरे पेट पे बजाए, वो इंसान भी है उसके। आप देख तो अब क्या हुआ, क्या चाहते हैं? केस करना चाहते हैं उनके ऊपर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, रिपोर्ट करने जा रहे हैं, रिपोर्ट नहीं ले रहे, हमारी सुनवाई कुछ भी नहीं कर रहे हमारी।